सोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अवर चैनल मोहम्मद इरफान ब्लॉग्स। तो भाई साहब अभी दोपहर के फिलहाल बज रहे हैं भाई 3 और आज का दिन ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने वाला भाई, तब जाके ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली सीन ये है भाई कि हम लोग मतलब सुबह 11-12 बजे भाई चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए और काफ़ी दूर गए थे खेलने के लिए, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और वहाँ से आते आते भाई तो फिलहाल अभी 3 बजे हम लोग फिलहाल यहाँ पहुँचे हैं घर पर और अभी फिलहाल मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। और हाँ भाई साहब, मैंने इंस्टाग्राम पे आज फनी रील जो है पोस्ट की है, तो जिस किसी ने भी इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किया फॉलो करना, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई साहब, जाके चेक करना इंस्टाग्राम और जाके जरूर फॉलो करना। जितने लोग देख रहे हो भाई सब लोग जाके फॉलो करो। फिलहाल चलो और आज को फिर स्टार्ट करते हैं भाई। और भाई साहब देखो, ये दोपहर के 3 बज रहे भाई, मतलब एकदम दिन जो है वो एकदम ख़त्म होने के कगार पे है भाई। देख रहे हो मतलब ठंडे में दिन बिल्कुल पता ही नहीं चलता, हल्का फुल्का सिर्फ धूप बचा हुआ बस, मतलब 5 बजते पूरा अंधेरा हो जाता है भाई, देख रहे हो। और फिलहाल यहाँ पे देखो भी आग वाग जलाने की तैयारी चालू है फिलहाल, इसको क्या बोलते हैं कौड़ा। चलो भाई आग वाग जलाने की तैयारी हो रही है भाई रात के लिए, छुटकी अम्मा सब इकट्ठा कर रही है अभी लाके। हाँ हाँ, ठंडक तो बहुत ज़बरदस्त वाली हो रही है। ये बताओ बाकी सब कहाँ हैं, दिख नहीं रहा है कोई? अरे अरमान मन कहाँ गए? अरमान गए खाला की है। खाला की? हाँ। कब? अरे 11 बजे। किसके साथ में? अपने खाना बटोर संगे। ओ छुट्टी है तो बेचारे को वहाँ भेज दो, बकरी लेके भेज दो। तो कहाँ करी है? हाँ सब ये चीज करो। मन बताओ कहाँ करी है? कब आएगा? अब देखो। हाँ यहाँ देखो भाई साहब, अरमान की छुट्टी फिलहाल है तो उसको उसके खाला के घर पे भेज दिए। बताओ कल तो उसको बकरी उकरी सरवा रहे थे, आज तो खाला घर पे भेज दिए। देखो कब आएगा कुछ पता ही नहीं है, कल आएगा कि परसों आएगा या 10 दिन बाद आएगा, कुछ आइडिया नहीं है भाई। वाह। और गाइस यहाँ देखो फिलहाल रही अम्मा अभी बकरियों का बिस्तरा उस तरह सब सही कर रही है भाई, बकरियों के लिए भी बिस्तरा उस तरह लगता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है ना, तो फिलहाल वही सही वही कर रही है भाई। अब उन लोग को अंदर करने का समय आ गया भाई। ये देखो भाई साहब, फिलहाल अभी हमारे पड़ोसी भाई साहब एक फ़ोन लेके आए हैं जो कि अनबॉक्सिंग मैं करने जा रहा हूँ, इसका मैं करने जा रहा हूँ ना। खुला खुला है? खुला तो है यार। रेडमी 12 मेरा 11 है और ये 12 निकालो। तो ये देखो भाई साहब, ये काफी कड़क दिख रहा है पीछे से, काफी अच्छा है, मस्त है यार। जो जिस फोन से मैं शूट कर रहा हूँ वो 11 है रेडमी का और ये 12 सीरीज है, ये काफी अच्छा दिख रहा है। ये पीछे का ग्लास काफी अच्छा है भाई, बाकी वही सब सीन मिलेगा इसमें, चार्जर वगैरह और क्या है। अच्छा चार्जर लेकिन कम दिया यार, 22 वाट का दिया है, मेरा 33 वाट का है। और भाई ये केबल, चलो बढ़िया तो है, कंग्रेचुलेशन आपको। चलो सो भाई साहब, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं फिलहाल। कितना बज रहा है? हाँ 5 बजने वाले भाई, और अभी मैं आया हूँ फैसल के घर पे और अभी मैं एक सीन दिखा तो भाई क्या सीन हुआ है। ये देखो, ये रहे नवी चाचू और यहाँ देखो भाई कैसे हुआ ये मामला। ये मामला ये है कि 22 लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, yes. किसी को चोट नहीं लगेगा लेकिन मैं 21 को छोड़ के मैं साला 10 मिनट का खेलूंगा और 2-4 दिन का एक हफ्ते का घाव ले लूं। लो भाई खेलते हुए चोट लगता है। सुना हूँ आज आपको खाना नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ भाई। एक्चुअली हम लोग गए थे बहुत दूर क्रिकेट खेलने के लिए और अच्छा लेकिन मैच हुआ भाई। हाँ लेकिन ये टूर्नामेंट जो था, खेलते भी नहीं ना तो देखने में ही मजा आता है। इतना प्यारा ग्राउंड और इतनी अच्छी टीम आई थी, प्यारा एकदम। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसे ही टूर्नामेंट होना चाहिए यार। काश व्लॉग किए होते तो मजा आता, लेकिन अब कौन व्लॉग करे वहाँ, कैसे क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली हम लोग की टीम नहीं थी भाई, हम लोग किसी ने हम लोग को बुलाया था तो हम लोग उसके तरफ से खेलने गए थे। हम लोग बहुत अच्छे फील्डर हैं भाई, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो जिस किसी को बुलाना हो संपर्क कर सकता है कमेंट सेक्शन में। और भाई जितने लोग भी इरफान का वीडियो देख रहे हो सब लोग भाई इरफान को सपोर्ट करो। यस यस, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल भी सब्सक्राइब करो। यस यस यस, कर दो। और हम लोग भाई रील वील भी बना रहे हैं तो आप लोग भाई हम लोग का रील भी इंस्टाग्राम पे लाइक करें। इरफान बना रहा, मैं ही बना रहा, सब लोग बना रहे हैं, आजकल एक्टिव हो गए हम लोग। अब कर दो भाई सब लोग फटाफट। और ये देखो भाई साहब, वल्ला अभी भी फैसल। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। सही
सुनाओ मैच आज आज खेलने गए थे। हाँ भाई हार काफी गए जीते काफी मैं हार गए हार गए दूसरी टीम से खेले ना एक्चुअली हम लोग की टीम जा नहीं रही है दूसरी टीम से हम लोग खेल रहे हैं तो आज काफी लेट आया मालूम 3 बजे पहुंचे हम लोग घर पे। यस 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 पता है भाई ये लोग भाई दिन भर मैच खेलते रहते चाची और ये दिन भर मैच खेलते रहते ठंडी में मैच चालू ही रहता है उसका फिर बंद ही हो जाता है ना। यस 3 महीना चलता है बाकी सब बंद। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम लोग गए थे चौराहे पे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए। फिलहाल भी मैं चौराहे पे से आ रहा हूँ घर पे भाई और यहाँ देखो लाइट नहीं है एकदम गुप अंधेरा भाई साहब देख रहे हो काफ़ी खतरनाक अभी से मतलब देखो फॉग जो है वो भी पड़ना चालू हो गया भाई देख रहे हो लाइट नहीं है बस एक मोमबत्ती से काम चलाना पड़ रहा है देखो काफ़ी खतरनाक सा अंधेरा हो रहा है। अगर लाइट नहीं मतलब शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि लाइट नहीं रहती तो बहुत तकलीफ होती है भाई क्योंकि कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है ना इसका इसकी वजह से। तो जब लाइट रहती है तभी शूट करो भाई मतलब यहाँ पे 5 बजे के बाद अभी ठंडी में ना 5 बजे के बाद अभी शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना लाइट के। और गाइस फिलहाल ये रही देखो दादी आज हम दादी के साथ में एक रील बनाए भाई काफ़ी धाकड़ सा। हाँ दादी ऊपर देखो यहाँ पे क्या बोलोगे सबको कि जाके रील देख लो एक बार बोल दो तो चक्षु नहीं लागत है इसलिए फ्लैश लाइट ना दादी की आंखों में लग रहा है इसके वजह से ऊपर नहीं देख पा रही है वो। तो गाइस फिलहाल मैं दादी के साथ में एक तगड़ा वाला रील बनाया हूँ जिस किसी ने अभी तक नहीं देखा जाके देखो काफ़ी तगड़ा बना हुआ भाई। हाँ दादी है ना बोल जाके देख लो सब लोग सुबह सब। रात के फिलहाल भी 8:30 बज रहे हैं और मैंने खाना वाना खा लिया। एक्चुअली क्या सीन था ना कि आज फिलहाल मेरा गाँव में दावत था फिलहाल तो मैं कहता हूँ खाना वाना खाने के लिए और भाई देव सबने भी खाना वाना खा लिया और बिस्तर से लगा भाई सोने जा रहे हैं क्योंकि भाई ठंडी में ना भाई बहुत तगड़ी वाली फॉग वॉग पड़ रही है और सब लोग 7:30 बजे तो भाई सब लोग बिस्तर में हो जाते हैं क्योंकि बहुत तगड़ी हुई ठंडी पड़ रही है फिलहाल। सो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं भाई जैसा कुछ था आप लोग ब्लॉग मैनेज कर लेना भाई और आप लोग को ब्लॉग कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय।